नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे रेट 2020 और जो वेटिंग लिस्ट को लेकर जो बड़ी खबर है। लगातार कॉल और कमेंट आ रहे हैं कि सर रेट की क्या खबर है। तो दोस्तों, जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसलिए शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ जो क्या है खबर, खबर की ओर चलते हैं। ये देख सकते हो अटकी शिक्षा भर्ती प्रक्रिया चित्तौड़गढ़ की ये खबर है, और इसके साथ ये जयपुर से भी आई हुई है। आप संदेश वातक दोनों खबरों पर बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री ने 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2 अगस्त को रीट के माध्यम से करवाने के लिए 24 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी, लेकिन दो बार तिथियां बदलने के बाद भी अभी तक रीट 2020 की न तो विज्ञप्ति जारी हुई है, न रीट लेवल 2 का पैटर्न जारी किया गया है। ये माना जा रहा है कि जब तक सरकार को लेकर जो घटनाक्रम चल रहा है, तब तक लेकर कोई मामला सुलझने वाला नहीं है। जानकारी के अनुसार 7 माह के बाद भी सरकार भर्ती को ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में प्रदेश के 11 लाख से अधिक बेरोजगार जो असमंजस की स्थिति में है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने गत 25 मई को दोबारा घोषणा की थी कि रीट हर हाल में सितंबर में करवा देंगे, लेकिन अभी तक इसके दूर दूर तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेरोजगार युवा तैयारी करने के लेकर असमंजस की स्थिति में, लेवल 2 का पैटर्न भी कितना बदलेगा, क्या सिलेबस होगा, बहुत ही भ्रमित। और जो विसंगतियाँ है वो दूर कैसे किया जाएगा। जल्द नियुक्ति का वादा किया था भाजपा सरकार ने, जो रीट शिक्षा भर्ती 2018 में निकाली थी उसमें 26,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकाने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया था। प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित कई भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने रीट को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी की थी। उस समय तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने लिखित में सरकार बनते ही रीट की विसंगतियों को दूर करने और अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वो वेटेज और जो वेटिंग लिस्ट है उन पर उनका ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अभी कोर्ट का आदेश भी हो गया, स्नातक का वेटेज समाप्त करने की लगातार मांग उठ रही है बेरोजगारी की महासंघ लगातार। तो दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ की मुख्यमंत्री जी को पत्र चाहे कि जो अटकी बढ़ती है इसका। इसके साथ ही आप ये देख सकते हो, विज्ञप्ति घोषणा के 7 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार नहीं कर सकी रीट 2020 लेवल 2 का पैटर्न भी फाइनल। तो दोस्तों, 7 माह बीत गए सरकार को, लेकिन अभी तक पैटर्न ही फाइनल नहीं हुआ। तो एग्ज़ाम को लेकर विद्यार्थियों में भारी रोष है। राज्य के 11 लाख छात्रों का भविष्य असमंजस में है। 24 दिसंबर को घोषणा हुई थी, आप देख सकते हो ये जो मांग है लगातार मीडिया, सोशल मीडिया और हमारे चैनल के द्वारा भी लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि जो बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से मेरा निवेदन है कि जैसे आप सरकार बचा रहे हो उसी प्रकार बेरोजगारों को नौकरी दो, जिससे उनका जीवन बच सके कोरोना काल में। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि रीट लेवल 2 का पैटर्न अब तय नहीं हुआ है और 2020 की विज्ञप्ति और लेवल ये आप देख सकते हो, तो विज्ञप्ति और लेवल 2 का पैटर्न जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे बेरोजगारों को अपनी तैयारी जारी रख सके। ऐसे में प्रदेश के बेरोजगारों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है और सरकार से मांग करेंगे रीट की विज्ञप्ति में रीट लेवल 2 का पैटर्न जल्द से जल्द जारी किया जाए। वही रीट में व्याप्त विसंगतियाँ तक इन्होंने लिखा है कि जो व्याप्त विसंगतियों को दूर, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने मांग की है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को रीट में शामिल किया जाए और MA के आधार पर BED करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। साथ में रीट लेवल 2 में स्नातक का वेटेज समाप्त किया जाए, जिससे लाखों बेरोजगारों को राहत मिल सके। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश संरक्षक उपेन्द्र यादव का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी डाला गया था रीट की सभी विसंगतियां दूर की जाएगी, इसलिए सरकार से मांग है कि सभी विसंगतियां दूर करते हुए जल्द से जल्द रीट 2020 की विज्ञप्ति रीट लेवल 2 का पैटर्न जारी किया जाए, जिससे 11 लाख बेरोजगारों को फायदा हो। तो दोस्तों, इस प्रकार की ताज़ा जयपुर से अपडेट है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द ही ये विज्ञप्ति निकाल कर
और कोई जो अपडेट होगी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आइकन को दबा लेना। अब हम इस वीडियो से विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।